दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं आइल माता के दर्शन करने, जो कि बैसाखी के दिन को साल में एक ही बार मंदिर खुलता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको मंदिर की पूरी जानकारी के साथ पूरा वीडियो। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना व्यू अच्छा है। ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, देख सकते हैं। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी ही बढ़िया, सुंदर और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा है यहाँ का। तो मिलते हैं आगे, आपको और भी सीन दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये है अपनी मराईधार, जो देवदारों के पेड़ है, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। आगे हम आपको ऐसे ऐसे व्यू दिखाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा घर बैठे हुए। दोस्तों देख सकते हैं हम जो है ग्लेशियर की तरफ पहुंच गए। देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक जो है अभी तक बर्फ है यहाँ पर। कितना बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये सारे जो है देवदारों के पेड़ हैं। ये नीचे नाला बह रहा है, ये देख सकते हैं आप बर्फ। ये देख सकते हैं नाले में काफ़ी हद तक बर्फ है अभी भी। दोस्तों वीडियो में बने रहें, मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं हम नाले में पहुंच गए, जो मैंने आपको नाला दिखाया था, ये काफ़ी दूर से बह रहा है। पानी का टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा कैसा है, ठंडा है या गर्म। पानी तो काफ़ी हद तक ठंडा है। ये चढ़ाई पे जा रहे हैं हम, देख सकते हैं दोस्तों। अब थोड़ा खड़ा रास्ता आएगा, तो मिलते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है टैंक बने हैं वाटर, तो जो नीचे जितने भी गांव हैं यहां से पानी की सप्लाई होगी। अभी नया जो है काम चला हुआ था और लगभग 80% कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं आप, ये नीचे जितने भी गांव हैं यहीं से सप्लाई होगी पानी की, काफ़ी बढ़िया। देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़े बड़े टैंक बने हैं पानी को स्टोर करने के लिए। वो सामने जो है आइल गांव दिख रहा है, हम यहां जाएंगे माता के मंदिर में दर्शन करने माता का। दोस्तों ऐसा दृश्य आपने लाइफ में शायद कभी नहीं देखा होगा, पहली बार देख रहे हैं। बर्फ़ और बर्फ़ के साथ जो है झरना बह रहा है, काफ़ी बढ़िया दृश्य लग रहा है। देख सकते हैं आप, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूं कि कितना बढ़िया है।